बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ऑटोकैड की एक नई वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम ऑप्शन सेटिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी शॉर्ट की है OP। अपनी कमांड बार में OP शॉर्ट की इंटर करने के बाद हमारे पास ऑप्शन सेटिंग की विंडो ओपन होगी, जिसमें हमने सबसे पहले डिस्प्ले टैब को सिलेक्ट करते हुए उसके विंडो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। विंडो एलिमेंट्स में हमने सबसे पहले डिस्प्ले स्क्रोल बार के बारे में पढ़ना है, जिसके बॉक्स को चेक किया हुआ है। तो मेरी विंडो में स्क्रॉल बार्स ऑलरेडी शो हुई हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रॉल बार्स किधर होती हैं। ये देखिए, हमारी वर्टिकल स्क्रॉल बार है और इसके साथ साथ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी देख लेते हैं। चलते हैं दोबारा से फिर ऑप्शन विंडो में। ऑप्शन विंडो में हमने अब अपने टूल्स बार के बटन का साइज़ बड़ा करना है। मैंने अभी इसके बॉक्स को अनचेक किया हुआ है, तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि आखिर टूल्स बार हमारी किधर होती हैं। टूल्स बार को विंडो के अंदर शो करने के लिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये देखें हमारी टूल्स बार हमारी विंडो में शो हो रही हैं। तो अभी इनके बटन का साइज़ छोटा है। दोबारा से सेटिंग में जाकर हम इसके बॉक्स को चेक करेंगे, तो अभी देखिएगा हमारी टूल्स बार के बटन का साइज़ बड़ा हो जाएगा। इसके बाद दोबारा से चलते हैं हम अपनी ऑप्शन सेटिंग के अंदर। विंडो को ओपन करते हुए हम नेक्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, शो टूल टिप्स। शो टूल टिप्स के बॉक्स को ऑलरेडी चेक किया हुआ है, मैं सिर्फ आपको शो कर देता हूँ कि शो हमारे टूल टिप्स किधर होती हैं। तो ये देखिए, मैंने एक लाइन कमांड्स के ऊपर जैसे ही अपनी माउस कर्सर को लेके गया, तो उसने मुझे उसकी टूल टिप्स शो कर दी हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सटेंडेड टूल टिप्स का। एक्सटेंडेड टूल टिप्स भी टूल टिप्स के साथ ही होती हैं। तो देखें, पहले सबसे पहले हमें ये लाइन की कमांड के ऊपर टिप्स शो की हैं, और इसके साथ ही उसने ये एक्सटेंडेड टूल टिप्स भी उसकी शो कर दी हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा रोल ओवर टिप्स। रोल ओवर टिप्स हमारी वो चीज़ होती है जो हमारी विंडो के अंदर कोई ऑब्जेक्ट होता है, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जैसे ही माउस कर्सर को लेके जाते हैं, तो वो हमें उसकी रोल ओवर टिप्स शो कर देता है। रोल ओवर टिप्स को समझने के लिए हम अपनी विंडो में एक लाइन ड्रा करते हैं। लाइन ड्रा करने के बाद जैसे ही हम इसके ऊपर माउस लेकर जाएंगे, तो वो हमें इसकी रोल ओवर टिप्स शो कर देगा। से ऑप्शन सेटिंग की विंडो को ऑन करते हुए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो उसके बाद है हमारा डिस्प्ले फाइल टैब्स। हमने अपनी विंडो में फाइल के टैब्स को डिस्प्ले करना है, तो मैंने अपने बॉक्स को चेक किया हुआ है। मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ कि फाइल टैब्स किधर होती हैं। ये दो हमारे पास फाइल टैब शो हो रही हैं, एक स्टार्ट टैब है और एक ड्राइंग वन टैब है। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।